गाइस वेलकम टू स्टॉक टेक्नोलॉजी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप इस टाइप के आइकन्स को बना सकते हो अपने फोल्डर में। देख सकते हो एवेंजर्स के ढेर सारे आइकन यहाँ पे बने हुए हैं। मतलब फोल्डर का मतलब क्या है कि फोल्डर का व्यू इसको चेंज कर देता है। यहाँ पे देखिए एंटमैन, एवेंजर्स एंड गेम, थॉर, रैग्नारोक, स्पाइडरमैन, इस टाइप के फोल्डर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप ऑफ फोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए एक पैकेज आता है, तो उसको मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मार्बल कलेक्शन जो कि मैंने पहले डाउनलोड करके रखा है। तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है, मतलब इसमें आपको ना एवेंजर्स के जितने भी पार्ट आए हैं या फिर मैं इसके मतलब सारे के आपको इसमें फोल्डर्स मिल जाएंगे। जैसे कि डेडपूल का देखिए, देखिए गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी, एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका। इसमें आप करना क्या है, सिंपल सा मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया ये फोल्डर। अब मैं चाह नीचे जाना है प्रॉपर्टी में और कस्टमाइज पे क्लिक करना, फिर चेंज आइकन और यहाँ ब्राउज का जो ऑप्शन है इसमें जाना है। और जहाँ आपने अपने पैकेज को सेव रखा है वहाँ से इसको ओपन कर लेना। देखिए मार्बल कलेक्शन मेरा यहाँ पे सेव है, मेरा नियॉन में जाता हूँ तो देख लीजिए। मान लीजिए मुझे ये वाला सेव करना है एवेंजर्स एंडगेम का, तो मैं इसे ओपन कर दूँगा, फिर इसे ओके करना है, फिर इसे अप्लाई करना है, फिर ओके करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये फोल्डर का ये थीम जो है जो कि चेंज हो चुका है। इस तरह से मतलब ढेर सारा मतलब फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर एवेंजर्स एंडगेम का ही हो, यहाँ पर ढेर सारे कलेक्शन दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।